तो स्वागत है आप सबका ACC डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो अभी जो SEO की नई नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में बात करूंगा, और आप सबको मैं बता दूं कि SEO में एज रिलैक्सेशन भी हो गया है। तो आप सबके लिए ये एक सुनहरा मौका है। अगर आप ACC एंट्री के थ्रू ऑफिसर नहीं बन पाए थे तो यू कैन डेफिनेटली अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अब इसमें कुछ एज क्राइटेरिया में चेंजेस आ गए हैं SEO एंट्री के लिए भी, और वो मैं आपको उसका एक ऑफिशियल लेटर का जो कटआउट है वो भी इस वीडियो में आपके आगे प्रेजेंट करूंगा। सो दैट के आप लोगों को जितना ज़्यादा पुश करा जा रहा है कि यस आप ऑफिसर बनिए, आप बढ़िया से परफॉर्म करिए, तो उस चीज़ का आप 101% जो है बेनिफिट अवेल कर पाएँ। तो उस बेनिफिट को अवेल करवाने में फर्स्ट जो फैक्टर रहता है इज़ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाने का जो काम है वो है ACC डिफेंस एकेडमी का, जो कि हम शुरुआत से सर्विस कैंडिडेट्स के लिए जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी आपके एक जवान से इस तरह से ऑफिसर बनने का जो सपना आप लेके चलते हैं उसे साकार करने में जो भी चीज़ें हेल्प करेंगी, डेफिनेटली वी विल मेक वीडियोस फॉर दैट। एंड जैसे कि अभी हमारी SSB की वीडियो सीरीज़ भी चल रही है, आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। वी एक्सपेक्ट के आप इसी तरह से हार्डवर्क करते रहेंगे और यस डेफिनेटली आपको और ज़्यादा हम लोग भी बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बढ़िया से आपको पुश करेंगे। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ SEO का मतलब क्या है। SEO की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे स्पेशल कमीशन ऑफिसर, ये क्या होता है, जैसे ACC एंट्री होता है जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अगर ऑफिसर बनना है इंडियन आर्मी में तो ACC एंट्री होती है, आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री, उसके थ्रू वो एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद SSBs होते हैं, उसके बाद मेडिकल्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सेम वे में जो ACC एंट्री होती है उसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 20 से 27 साल की एज तक। बट मान के चलिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 27 साल हो चुके हैं, नाउ ही इज़ नॉट एबल टू गो फॉर द ACC एंट्री, तो उनको क्या करना है, उनके लिए होती है SCU एंट्री। इस स्पेशल कमीशन ऑफिसर एंट्री में 27 के बाद वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि ACC एंट्री में कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं, स्क्रीन आउट हो गए हैं या मेरिट आउट हो गए हैं, अब उनकी एज हो गई है, तो वो कैंडिडेट्स भी SEO दे सकते हैं, ठीक है। SEO इज़ ए स्कीम दैट अलोज सर्विंग पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी टू बिकम ऑफिसर्स आफ्टर ACC एंट्री। बट हाँ, इसमें आपको एक चीज़ कंसिडरेशन में रखनी है कि जो ACC एंट्री है ना वो आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों ट्राई सर्विसेज के जो सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, दे ऑल कैन अप्लाई। बट ये जो SCU एंट्री है ओनली इंडियन आर्मी के जवान्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द SCU एंट्री। तो ये ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल है इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको, ठीक है। तो एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए एप्लीकेबल नहीं है SCU एंट्री। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ, आप चाहे JCU हैं, NCU हैं, OR हैं, सारे एलिजिबल हैं फॉर दिस एंट्री इन इंडियन आर्मी, एक्सेप्ट जो डेंटल एंड मेडिकल कोर है, ठीक है। मेडिकल कोर का अलग सिनेरियो है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी जो आपको अपडेट आज प्रोवाइड करना था वो ये था कि जो आपका एज ग्रुप था SCU एंट्री का, पहले एज ग्रुप था 30 से 35 साल, बट अब आप 28 साल से लेके अप्लाई कर सकते हैं SCU एंट्री के लिए। तो ये इसका मैं आपको आगे ऑफिशियल लेटर भी दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव आउटलुक, बिकॉज पहले क्या दिक्कत होती थी, जैसे 27 साल तक आप ACC एंट्री के लिए देते थे, अब आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ता था जब आपको जो है SCU एंट्री के लिए प्रिपेयर करना होता था। तो जब बीच में गैप हो जाए तो इतने बढ़िया से बंदे के ग्रेस्पिंग पावर नहीं रहती है, उसके बाद जो बंदा तैयारी रेगुलरली कर रहा है तो उसका एक होल्ड टूट जाता है। तो उस चीज़ों को सिनेरियो में को कंसीडर करते हुए अब इंडियन आर्मी में एक नया नोटिफिकेशन आ रखा है कि अब जो SCU के कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई फ्रॉम 28 ईयर्स। जैसे आप ACC से आउट होते हैं SCU पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 28 ईयर्स है ये कोई फॉर्म के टाइम पे नहीं, आपका जो फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है तब तक, तो मतलब आप 27 साल की एज अगर 27 प्लस के आप हो गए तो यू कैन अप्लाई फॉर द SCU एंट्री। उसके बाद में जैसे कि ACC एंट्री में 10+2 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, सेम वे में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 आपकी रिक्वायर्ड है।
मिनिमम सर्विस ACC एंट्री में 2 साल होती है, इसमें मिनिमम 5 साल चाहिए। कोई रेड इंक ब्लैक इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए आपकी। मेडिकल कैटेगरी आपकी Shape 1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव एनी रेड इंक एंट्री इन एंटायर सर्विस, तो एंटायर सर्विस में आपकी कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पहले जो SEO का नोटिफिकेशन आया था वो 2005 में आया था 1 अप्रैल को, जिसमें कि SEO कमीशन जो आर्मी में होता था उसका इनटेक का क्राइटेरिया 30 से 35 साल था, ठीक है, ऑफ ईयर्स ऑफ एज। अब ये घटा दिया गया है 28 to 35 ईयर्स ऑफ एज एंड इज फर्दर एक्सटेंडेड इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है अभी, तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है, सो दैट कि आप इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। क्योंकि अब आपको पता है कि अब आपका जैसे बीच में गैप भी नहीं होगा। पहले क्या दिक्कत होती थी कि ACC एंट्री में अपेयर किया कैंडिडेट, फिर 2-3 साल वेट। अब आपको वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सब ACC में से जो कैंडिडेट ओवर एज हो गए हैं, सब कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई हैं। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई के साथ टच में हैं तो ये अपना अफसर बनने का सपना कभी भी मत तोड़िएगा। इसे ये जो आप जज्बा लेके चल रहे हैं इसे कंटिन्यू रखिए। हम लोग आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो आप SEO एंट्री में दे सकते हैं, SSB 3 बार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्शल स्टेटस, बहुत क्वेश्चंस इस तरह से कैंडिडेट करते हैं। ACC एंट्री और SEO एंट्री, सर्विस एंट्री कोई भी है ना, उसमें आप चाहे मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, ऑल कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री, ठीक है। यू कैन गो फॉर YLC रिटर्न आल्सो। अब पहले क्या था कि पहले आपको SEO में डायरेक्टली SSB में भेज दिया जाता था, अब क्या है रिटर्न एग्ज़ाम YLC एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाता है SEO में भी, जिस तरह से ACC एंट्री का होता है। उसमें आपको एडवांटेज ये होता है कि जब आप रिटर्न एग्ज़ाम YLC एग्ज़ाम देते हैं, तो पहली चीज़ मैं बता दूं, SEO में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है जितना ACC एंट्री में होता है। बट आपको एडवांटेज ये रहता है कि जब रिटर्न आप दे देते हैं YLC SEO का YLC रिटर्न जब दे देते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको एडवांटेज एक एक्स्ट्रा ये मिल जाता है कि आप आराम से अपना OTA चेन्नई में जो है प्री SSB ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, बिकॉज़ वो आर्मी की तरफ से आपको 18 हफ्ते की SSB ट्रेनिंग दी जाती है। आपको OTA चेन्नई में रखा जाता है, वहाँ पे आपको SSB की तैयारी करवाई जाती है ऑफिसर्स के बीच में। सो यू कैन इमेजिन के कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अदरवाइज ऑल ओवर द ग्लोब अगर आप देखेंगे, लोग मरते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में आने के लिए। जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता है कि इंडिया के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कितने बढ़िया हैं। तो ये आपको आर्मी की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो आई विल सजेस्ट टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो भी SEO एंट्री के लिए जा रहे हैं कि YLC SEO का ज़रूर दें यार। क्लियर हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। और हर साल 2 बैचेज होते हैं, जनवरी में एक बैच स्टार्ट होता है, एक जुलाई में होता है। तो अभी जो SEO 56 है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होता है, वो सारी डिटेल्स मैं कवर करूंगा। बट बिफोर दैट मैं आप सभी को बता दूं, बिकॉज ये बहुत रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स की आई थी कि सर SEO का भी कोर्स लॉन्च करिए, तो मैं आप सबको बता दूं, SEO एंड PCSL YLC न्यू बैच जो है ACC डिफेंस अकेडमी का स्टार्ट हो रहा है। कम्प्लीटली आपका ऑनलाइन कोर्स रहेगा। अगर आपको रिटर्न बैच में एनरोल करना है जिसमें आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिससे कि आप आराम से अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज हमारी यहाँ पे मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स आपके SEO YLC के या फिर PCSL YLC के कवर किए जाएंगे। और डेली रात में 9 बजे से 11 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, वो आपकी डाउट क्लियरिंग के लिए होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू दिस कोर्स, आप हमें प्लीज़ व्हाट्सएप करें 8127459666 इस नंबर पे। हम आपको SEO YLC रिटर्न कोर्स की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे। एंड ये हमारा एक धर्म है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दें, बाकी आपका कर्म है। जितना आप कर्म करोगे उतना आपको फल मिलेगा, इतना हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। तो आपका कर्म यही है कि अभी से
अगर आपकी ACC के लिए आप ओवरेज हो गए हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत। SEO के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो। SEO का रिटर्न, उसके बाद SEO का SSB होता है, तो सारी चीज़ें आपको आपके साथ रहेगा। ACC डिफेंस अकेडमी हमेशा आपके साथ जिस तरह से खड़ा है ACC एंट्री से लेके SEO PCSL एंट्री में, सेम वे में हम आगे भी आपको तैयारी करवाएंगे। तो अभी कभी हमें व्हाट्सएप करें, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में SEO की अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, तो ये आपको पहले 8 हफ्ते जो है कंपलसरी ट्रेनिंग आर्मी एजुकेशन कोर पंचमढ़ी में करवाई जाती है। उसके बाद OTA गया में आपको TES एंट्री के साथ 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और आपका जो है परमानेंट कमीशन होता है SEO एंट्री में। तो ये इसमें तो आपके पास, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान के चलिए ACC एंट्री में अगर आप जाते तो आपको 4 साल ट्रेनिंग करनी थी, बट अगर यहाँ पे आप रिकमेंड होंगे ना तो आपको सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग करनी है, तो आप जल्दी पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एडवांटेज है। उसके बाद हम बात करें कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो ट्रेनिंग सेंटर में जब आप होंगे तो अभी जो आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं सेम सैलरी आप ड्रॉ करते रहेंगे ट्रेनिंग के टाइम पे भी, तो आपका बजट या फिर जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया परमानेंट कमीशन है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, परमानेंट कमीशन के साथ साथ में बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी यूनिट वालों का आपका साथ होना चाहिए। उनको जो है SEO का नया जो फॉर्म मिल अभी आउट हुआ है, उनको बोलिए, अपने क्लर्क से डिस्कस करिए, एजुकेशन JCO से डिस्कस करिए, एप्लीकेशन जो है नया वाला जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आपके कमांडिंग ऑफिसर उसको रिकमेंड करेंगे, और उसके बाद में आगे जो भी चेन ऑफ कमांड होगी उसमें फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, और आप एक जांबाज ऑफिसर के तरह उभरेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, YLC कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये आपकी प्री SSB ट्रेनिंग होती है, जिधर SEO, PCSL, YLC, ACC सारे कैंडिडेट्स को करवाया जाती है तैयारी। तो अगर YLC के नोट्स चाहिए आपको या फिर SSB के जो आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें 8120745966 पे, बिकॉज SSB के भी नए ऑनलाइन बैचेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं सर्विस एंट्री के लिए, जिसमें हम ACC, SEO एंड PCSL एंट्री को रखेंगे सिर्फ। तो बिना लीव के भी आप अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका फुल Stage 1 साइकोलॉजी, GTO, पर्सनल इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंस सब कुछ कवर करेंगे। और इसमें आप जैसे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आपका OER, PPNDT, TAT, VAT, SRT, SD सारा कुछ कवर होगा। और मेन चीज़ तो ये है कि हम सर्विस कैंडिडेट को हर एक मोड पे इंडिविजुअली फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, कैंडिडेट को पता चलता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आप ऑल ओवर द इंडिया यू विल गेट टू सी कि आप कहीं भी अगर कोचिंग लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअली फीडबैक कोर्स के रिगार्डिंग नहीं देगा आपको। बट इट इज़ द डिफेंस अकेडमी, ACC डिफेंस अकेडमी, जो कि हम स्टार्टिंग से सर्विस कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट वे में आपको तैयारी करवाए जाए। इसीलिए हम SSB कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सरसाइज भी करवाते हैं। उसके बाद में आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, PIQ की क्लासेस होंगी, आपकी इंटरेक्टिव GTO सेशंस होंगे मॉडल्स के थ्रू। तो अभी का भी हमें व्हाट्सएप करें, अगर आप इन कैंडिडेट्स के तरह आप भी हमारी अकेडमी से ऑनलाइन बैचेस में रह के रिकमेंड होना चाहते हैं। ये प्रीवियस एंट्रीज के सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो कि रिकमेंड हुए हैं, और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं नया बैच, तो हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, या फिर डायरेक्टली ACC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस अगर YLC कोर्स में SEO YLC रिटर्न कोर्स में ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको फुल PDF नोट्स, जिसमें थ्योरी, MCQs, वन लाइनर्स आपको मिलेंगे, फुल रिकॉर्डेड सेशंस, डेली लाइव क्लासेस टिल योर एग्जाम आपकी चलेंगी 9 बजे से 11 बजे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो सारी लाइव क्लासेस होंगी इनकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, पर्सनल क्लासेस चलेंगी वीक कैंडिडेट्स के लिए, 100% गारंटीड आपका सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए इतना सा जो है आप आई होप के एफोर्ड कर ही सकते हैं, इसीलिए हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू दीज एंट्रीज, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो कमेंट करें डेफिनेटली, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ACC डिफेंस अकेडमी YouTube चैनल को, सो दैट कि टाइम टू टाइम हम आपको और फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे उनसे हमें आपको वाकिफ करवाते रहें। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।